बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल में उत्पादन बंद है 30 जनवरी से, लगा है सस्पेंशन ऑफ वर्क। C2 भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने किया विरोध प्रदर्शन। विधायक ने दोषी ठहराया ममता बनर्जी सरकार को। बकाया वेतन PF न मिलने पर आंदोलन की धमकी। C2 नेता हेमंत प्रभाकर ने विधायक का किया मंच पर स्वागत। INTTUC उपाध्यक्ष अभिजीत भट्टाचार्य ने किया दावा, श्रमिकों से दोनों का कोई नहीं है लेना देना। तृणमूल प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू ने किया करारा हमला। वर्ष 2011 से ही वामपंथी हैं भाजपा के साथ, नहीं है कोई नई बात, दोनों को मिलेगी करारी मात चुनाव में। CPM, BJP, TMC, कांग्रेस एकाने किच्छु नय, एकाने होच्छे एकटा फैक्ट्री बंध हो जेते चलेछे। আজকে পেটের দায় আমরা সবাই এক হয়েছে, এখানে কোনো দল নেই, কোনো কিছু নেই, এখানে শুধু মানুষ রয়েছে আর শ্রমিক রয়েছে। তাই আবার 6 তারিখে মিটিংয়ের ডেট হয়েছে, 6 তারিখে মিটিং হবে। মিটিংয়ে আমাদের যারা উপর নেতৃত্ব আছে INTTUC-র, তারা দেখছে এবং শ্রমিকদের ভালো হবে তার চিন্তাই আমরা করছি। আর আমরা ভোটে, এই যে ভোট সামনে, শ্রমিক দিয়ে নিয়ে রাজনীতি এইসব আমাদের মানে ঠিক লাগে না। তো CPM আর BJP আর কংগ্রেস এক মঞ্চে থাকবে, এই নতুন ব্যবহার নেই, আমরা এই ভালো করে দেখতে চাই না। আমরা জানে এরা গঠজোটে মতে আছে, সামনে বলছি না, পিছে সব আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আছে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर बोला हमला, मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। आसनसोल नहीं है सांसद की प्राथमिकता में, अभिषेक बैनर्जी को नहीं मानते वे यूथ आइकन। संसद में नहीं उठाया आसनसोल से संबंधित कोई भी मुद्दा, आसनसोल के वोटर भी नहीं है उनकी प्राथमिकता में। तृणमूल की हार, भाजपा की जीत का उन्होंने किया दावा। आसनसोल पर जब जब कोई बड़ी घटना गई थी उस समय शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ नजर नहीं आए, तो जब आसनसोल से उनको कोई मतलब ही नहीं है, केवल और केवल सारी भारत में और कहीं से सांसद नहीं बन पाएंगे तो फिर आसनसोल चले आएंगे और आसनसोल की जनता बार बार उनको खुश करने के लिए उनको वोट देती रहेगी, ये कैसे हो सकता है। तो हम लोग भी आसनसोल की जनता से निवेदन करेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जब आसनसोल लास्ट प्रायोरिटी है तो आसनसोल की जनता के लिए भी शत्रुघ्न सिन्हा लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। শত্রুঘ্ন সিনহা প্রত্যেক মাসে 2 বার আসানসোলে আসে, আসানসোলে মানুষের সুখ দুঃখের জন্য কাজ করে, PM রিলিফ ফান্ড থেকে যত হেল্প করার আছে, MP রিলিফ ফান্ড দিয়ে হয় যার মধ্যে থেকে আর PM রিলিফ ফান্ড থেকে ভি। আসানসোল কে বার্নপুর প্রিমিয়ার লীগ টুর্নামেন্ট সিজন 3 কা হুয়া উদ্ঘাটন। आयोजन स्थल रहा पायल मल्टीप्लाजा बर्नपुर शाइनिंग स्टार ग्राउंड धर्मपुर। टूर्नामेंट में भाग लिया कुल 12 टीमों ने। मौके पर उपस्थित थीं ACP इप्सिता दत्ता, हीरापुर थानेदार सौमेंद्र नाथ सिंह, बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी, वार्ड पार्षद कहकशा रियाज, पार्षद अनूप माझी, पायल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद इम्तियाज। स्कूली बच्चों ने किया पेश सांस्कृतिक कार्यक्रम, पश्चिमी नृत्य ने बनाया माहौल। तेलका बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। गोपाल नगर क्रिकेट क्लब ने लगाया रक्तदान शिविर। नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने रक्तदाताओं को किया सम्मानित। 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य। रक्तदान से महान नहीं होता कोई दान। अंबिका मुखर्जी, सजल दास, प्रवीर धर, प्रदीप सरकार, प्रदीप दत्त, सांत्वना मंडल, काकोली दास भी रहे उपस्थित। आसनसोल के 20 नंबर वार्ड में वार्ड पार्षद अर्जुन माझी की पहल पर हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। विधि, न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक रहे उपस्थित। वामपंथी शासन काल में नहीं हुआ था कोई विकास कार्य। वोट उसी को दें जो आम जनता का करे विकास। 12 वर्षों में तृणमूल सरकार ने किया हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম, 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। प्राणिक हीलिंग जागरूकता के लिए रविवार को आसनसोल में आयोजित किया गया मैराथन प्राणाथॉन। सृष्टि नगर में सेंट्रम मॉल के सामने हुई शुरुआत। 2, 5 और 10 किलोमीटर की कैटेगरी में थी दौड़। सृष्टि नगर के प्रॉपर्टी हेड विनय चौधरी थे आयोजक की भूमिका में। केन्याई धावकों ने भी लिया भाग। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड ने किया सहयोग। चला सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का अभियान। आसनसोल के 30 नंबर वार्ड अंतर्गत मिलन मेला प्रांगण में हुआ तृणमूल कार्यकर्ता सम्मेलन। वार्ड पार्षद गोपा हल्दर ने की थी पहल। मंत्री मलय घटक मुख्य रूप से रहे उपस्थित। कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की अपील। वार्ड कमेटी का किया गया गठन। वार्ड पार्षद आशा प्रसाद, रिंटू गांगुली, चिरंजीत मुखर्जी रहे उपस्थित। प्रोग्रेसिव यूनाइटेड इंजीनियरिंग एसोसिएशन का दुर्गापुर में हुआ प्रांतीय सम्मेलन। राज्य सरकार के विभागों से जुड़े कुल 1400 इंजीनियरों की रही भागीदारी। इंजीनियरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। मुद्दों को रखा जाएगा सरकार के सामने। सृजनी थिएटर में आयोजित सम्मेलन में उपस्थित रहा राज्य नेतृत्व भी। निरसा के बेलचड़ी शासन बढ़िया मोड़ के पास झाड़ियों से 30 टन कोयला जब्त। ईसीएल तथा सीआईएसएफ की संयुक्त छापेमारी से मचा कोयला चोरों में हड़कंप। जब्त कोयला जमा किया गया डिपो में। आसनसोल सब डिवीजन लेवल एथलेटिक्स स्पर्धा में रानीगंज की एथलेटिक्स कोचिंग सेंटर के बच्चों ने किया उम्दा प्रदर्शन। जीते कई प्रतिभागियों ने पदक। सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। प्रशिक्षक रवि सिंह ने कहा, बच्चों की मेहनत आखिर रंग लाई। मधुमेह रोग को लेकर लायंस क्लब उखड़ा ने निकाली जागरूकता रैली। आदर्श उखड़ा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। क्लब के अध्यक्ष हेमंत कर्मकार, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लव आचार्य, स्कूल के प्राचार्य प्रवीण कुमार सिंह आदि रहे मौजूद। पांडवेश्वर थाना अंतर्गत हरिपुर के तालाब से मिला युवक का शव। तालाब किनारे से हेलमेट बरामद। तृणमूल नेता सह उप प्रधान गोपीनाथ नाग ने किया दावा, युवक की नहीं हो सकी है पहचान। थाना में नहीं है गुमशुदगी की शिकायत, पुलिस कर रही जांच। तालाब में हो सकती है डूबी हुई बाइक। शव भेजा गया पोस्टमार्टम को।